तो भरत जी विलाप कर रहे हैं ना, इसमें भरत जी स्वयं को कोस रहे हैं। सुनियति बिकल भरत बर बानी, आरति प्रीति विनय नय सानी, शोक मगन सब सभा खबारू, मनहु कमल बन पर उतुसारू। सुनियत बिकल भरत बरबानी, भरत बर माने श्रेष्ठ, अत्यंत व्याकुल होकर के, बिकल सुनि अति बिकल, अत्यंत व्याकुल होकर के दुख से सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर के, आरति प्रीति, आरति माने दुख, आर्त आर्त से बना आरति, दुख और प्रीति माने प्रेम से, और विनय माने विनम्रता से, नय माने नीति से, सनी माने सनी हुई। प्रेम प्रीति और दुख से सनी हुई ऐसी भरत की श्रेष्ठ वाणी सुनकर के शोक मगन सब सभा खबारू, तो सभा के सारे लोग शोक में मग्न हो गए और सारी सभा में खबारू माने विषाद छा गया। खबारू, खबारू माने विषाद, मतलब दुख छा गया सारी सभा में। मनहु कमल बन परे तुसारू, तो मानो ऐसा लग रहा है कि कमल के वन में बर्फ ओला पाथर पड़ गए। तुसारू माने बर्फ, पाला, पाला बोलते हैं, तुषार माने पाला होता। तो मनहु कमल बन परे तुसारू, तो मानो ऐसा लग रहा है कि कमल के वन में पाला पड़ गया है। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध की मुनि ज्ञानी, बोले उचित वचन रघुनंदो, दिनकर कुल कैरव बन चंदो। तो कही अनेक विधि कथा पुरानी, तब ज्ञानी मुनि भरत प्रबोध तीन मुनि ज्ञानी, प्रबोध माने जगाया, भरत माने भरत को, मुनि ज्ञानी, ज्ञानी मुनि वशिष्ठ ने बहुत पुरानी पुरानी कथाएं सुना करके, कही अनेक विधि कथा पुरानी, पुराणों की कथाओं को सुना करके अनेकों विधियों की, भरत को मुनि वशिष्ठ ने जगाया, प्रबोधित किया। बोले उचित वचन रघुनंदु, फिर रघुनंदु, रघुनंदु किसे कहते हैं, सूर्यवंश के राम, उनको रघुनंदन कहते हैं। तो बोले उचित वचन रघुनंदु, तब रघुनंद श्री राम ने उचित वचन बोले। दिनकर माने दिनकर कुल, दिनकर माने सूर्य, और सूर्य के कुल, सूर्य के वंशी, सूर्यवंशी कैरव बन चंदू, चंदू माने चंद्रमा, और कैरव बन, कैरव माने कमल, वन माने जंगल, वन कमल के वन, कमल के वन यानी जो सूर्य रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले या प्रसन्न करने वाले या कमल वन को खिलाने वाले चंद्रमा श्री रघुनंद उचित वचन तब बोले, यानी बोले उचित वचन रघुनंदु। दिनकर कुल कैरव कवि, कैरव बन चंदू, दिनकर कुल सूर्य वंशम के भगवान राम जो कुमुद वन को प्रफुल्लित करने वाले थे, अब वो चंद्रमा बन करके बोले। क्या बोले? तात जाई जी करहु गलानी, ईसो अधीन जीव गति जानी, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे, तात जाय जी करो गलानी। हे तात, तुम अपने हृदय में गलानी करते हो, व्यर्थ ही गलानी करते हो। गलानी माने
मतलब अपने आप को कोसना। तो आप अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो, दुख करते हो, इस अधीन जीव गति जानी, क्योंकि जीव की गति इस संसार में भगवान के अधीन है। इस अधीन, ईश्वर के अधीन समस्त जीवों की गति है। जो 84 लाख जीव हैं वो बिना भगवान के नहीं चलते। कोई भगवान को माने या न माने, जिसकी इच्छा है मान सकता है, जिसकी इच्छा, इसका कोई संविधान में प्रावधान नहीं है कि आप भगवान को मानिए। जिसको इच्छा है पूजा कर सकता है, नहीं इच्छा तो नहीं कर सकता है। तो भगवान राम कहते हैं कि ऐसा देखो, ऐसा सोचकर अपने हृदय में दुख मत करो भरत, क्योंकि सारा संसार जो है वो ईश्वर के अधीन है। हम भी ईश्वर के अधीन है, हम ईश्वर नहीं है, भगवान राम ईश्वर नहीं है, वो स्वयं को ईश्वर नहीं बताते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम जरूर हैं, ईश्वर नहीं है, वो स्वयं कहते हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, क्योंकि ईश्वर के अधीन तो सारा जग है, सारा संसार है। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, और मेरे मत से तीनों काल, भगवान राम कहते हैं कि मेरे मतानुसार तीनों काल, भूत भविष्य और वर्तमान, और त्रिभुवन तीनों लोक, धरती आकाश और पाताल, तीनों लोक तीनों भवन और तीनों समय, यानी भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों काल तीनों लोक पुण्य श्लोक तात तर तोरे, क्योंकि तीनों लोकों सब पुण्य आत्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। इन तीनों लोकों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में पुण्य श्लोक, पुण्य से माने पुण्य आत्मा पुरुष, तात माने हे भाई, तर माने नीचे हैं, तोरे माने तुम्हारे, हे भरत तुम्हारे नीचे तीनों लोकों में और तीनों कालों में, यानी ना हुआ है कोई ना होगा, ऐसा पुरुष ना हुआ है भरत जैसा ना होगा, ऐसा कौन कह रहा है? भगवान राम कह रहे हैं कि तुम ग्लानि मत करो, क्योंकि सारा संसार ईश्वर के अधीन है, और तुम जैसा व्यक्ति न इस संसार में हुआ था, न हुआ है और न होगा, यानी वर्तमान में, भूत में और भविष्य में कभी नहीं होगा, और तीनों लोकों में भी नहीं होगा, कि पृथ्वी लोक, आकाश लोक, पाताल लोक, न तीनों लोकों में, तीनों कालखंडों में कभी भी तुम्हारे जैसा भाई और तुम्हारे जैसा पुरुष होना मुश्किल है, यानी सब नीच है तुमसे सदैव। उर्वानत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई, दोसु देहि जननी जड़ तेई, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। भगवान राम स्वयं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि उरान तुम पर कुटलाई, मेरे हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से चहलोक बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। यानी अगर मैं तुम्हारी बुराई हृदय में भी करूं, सोच भी लूं कि तुम बुरे हो, ऐसा भगवान राम भरत से कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसा सोच भी लूं कि तुम कुटिल हो, ऐसा हृदय में भी लाऊं, उर आनत तुम पर कुटिलाई, अगर हृदय में भी तुम्हारे प्रति कुटिलता आ जाए, तो जाई लोक परलोक नसाई, तो मेरा लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाए, यानी इस संसार में कुंड भी ना रहे और उस संसार में परलोक में भी कुंड को मैं प्राप्त ना हूं। दोसु देहि जननी जड़ तेई, अब क्या कह रहे हैं कि माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई, जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया, सेई माने सेवन नहीं किया, यानी कि राम क्या कह रहे हैं कि अगर मैं हृदय में भी तुम्हारे प्रति कुटिलता, टेढ़ापन, बुराई लाऊं, तो मेरा लोक और परलोक, यानी इस लोक के सारे पुण्य और परलोक के सारे पुण्य सब नष्ट हो जाएं। और कैकेयी माता जी की निंदा वही लोग करते हैं, बुराई वही लोग करते हैं जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है और गुरुओं के पास नहीं बैठे। तो मिट ही पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। आप भगवान राम कहते हैं कि हे भरत, मिटिहैं पाप प्रपंच सब, सब मिट जी हैं, सारे पाप प्रपंच सब नष्ट हो जाएंगे,
सब अखिल अमंगल भार, अखिल माने संपूर्ण अमंगलों के भार, जो संपूर्ण अनिष्ट के भार हैं सब नष्ट हो जाएंगे। लोक सुजस, और इस लोक में सुंदर यश और परलोक में भी सुख मिलेगा। सुमिरत नाम तुम्हार, जो मेरे अलावा तुम्हारा नाम लेगा हे भरत, जो जय भरत बोलेगा, भरत का नाम लेगा, उसका उसका जो है बहुत ही लाभ होता। हमसे हमारे नाम लेने से ज़्यादा भरत का नाम लेने से पुण्य को प्राप्त होगा। यानी तुम्हारा नाम स्मरण करने से सब पाप प्रपंच नष्ट हो जाएंगे, समस्त अमंगलों के समूह नष्ट हो जाएंगे, और लोक में, इस लोक में सुंदर यश और परलोक में भी सुख मिलेगा जो आपका नाम लेगा। क्योंकि भाईपन जो भ्रातृ प्रेम है वो भरत जैसा किसी का आज तक न हुआ है न होगा। ठीक है, जैसे श्रवण कुमार पितृ भक्त थे वैसे भरत जी जो थे वो भ्रातृ भक्त थे। इतना इतना लक्ष्मण भी नहीं थे जितना भरत थे, क्योंकि चलत पयादे खात पल पिता दीन तजराज। तुलसीदास जी ने लिखा है कि पैदल चलते हैं और फल खाते हैं, जैसे भगवान राम खाते हैं कंदमूल फल वैसे भरत भी खाते हैं। जैसे 14 वर्ष उन्होंने चटाई पर विश्राम किया, नीचे जमीन पर लेटे भरत जी भी जमीन पर लेटे, चरण पादुकाओं को उनको राज सिंहासन पर रखा था, सिर पर लेकर आए थे भगवान राम की चरण पादुकाओं को भरत जी। बोले नहीं कुछ है तो भैया चरण पादुका ही दे दो, इसी से हम अपना दिल मना लेंगे। और अयोध्यापुरी नहीं गए थे भरत, कहाँ रहे थे अयोध्या से बाहर एक नगरी थी, वहीं पर उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था। अयोध्या को नहीं गए थे जब तक राम लौट कर नहीं आए थे। तो भ्रातृ प्रेम भरत का बहुत बड़ा था, इसलिए भगवान राम स्वयं ने कहा कि आपका जो नाम ले लेगा वो इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाएगा, क्योंकि मेरा नाम तो सारी दुनिया लेती है और आपका नाम जो ले लेगा तो मुझसे भी बड़ा नाम होगा आपका।